हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन, वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। तो गाइस, आज की मार्केट बहुत अच्छी गई है। जिस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड करा था, एग्जैक्टली मार्केट उसी तरीके से मूव करी है। तीन स्टॉक्स दिए थे, तो मेरे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आंसर क्वेश्चन आ रहे थे कि जो भी आप स्टॉक्स बताते हो, अगले दिन उसके बारे में बताया करो कि हम इसे होल्ड करना चाहिए, क्या उसे एग्जिट कर लें, या उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो मैं अभी आपको 5 मिनट उसके बारे में भी बताऊंगा, प्लस 3 स्टॉक्स और जो मैं बाय करने वाला हूँ, NIFTY बैंक निफ्टी में क्या करके चलना चाहिए। बिकॉज आई थिंक कल के कल हम लोग 17,000 रुपीज का लेवल देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, और मूवमेंट आ सकती है। मतलब ये जो हफ्ते की एक्सपायरी होगी बहुत ज्यादा अच्छी जा सकती है। तो एक बार चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और देखते हैं किस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक, और जो भी हम लोगों को परफॉर्मेंस की बात करनी है अपने पास्ट वाले स्टॉक्स की, वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक पे मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, निफ्टी के अकॉर्डिंग बन रहा है। उल्टा अगर हम बात करें, निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, बट इसके अंदर सेटअप है जो आई थिंक कल के कल एक ब्रेकआउट दे सकता है अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली चलती है। अभी प्राइस चल रहा है इंडसइंड बैंक का 907 रुपीज का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। आई पर्सनली थिंक यहाँ पर अब इसने बहुत अच्छा पॉज ले लिया है, बहुत ज्यादा टाइम ये रेंज के अंदर बिता चुका है। तो मिनिमम टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 925 रुपीज का, जो कि 20 रुपए ऊपर है। अगर उसको भी ब्रेकआउट आ जाता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग 955 रुपीज का, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग आया है। सो यस, इंडसइंड बैंक हमारा पहला स्टॉक है जिसको हम लोग कल बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अगर आप चेक करोगे तो ऊपर वाली जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस की तरफ से एक्ट कर रही है, और सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। अगर आप देखोगे कि बहुत टाइम ये वाली ब्लैक लाइन और इस लाइन के अंदर, इस रेंज के अंदर बहुत टाइम कंसोलिडेट करता है, क्या करता है, उसके बाद दोबारा नीचे जाता है। इस रेंज के अंदर आप देख रहे हो दोबारा टाइम इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इसने ना बॉटम से एक बहुत अच्छी अपमूव दिया है, उसके बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, अब फाइनली जाके इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स लिए हैं, तो आई थिंक ये लेवल तो शायद ब्रेक ना हो, बट यस वी कैन एक्सपेक्ट कि ये रेंज के अंदर अगर आया तो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक दोबारा जा सकता है, जो कि 218-219 रुपीस का लेवल है, और यहाँ तक के लिए हम लोग इस स्टॉक को होल्ड भी करके चल सकते हैं। तो दो स्टॉक्स हम लोगों ने बात कर ली है, पावर ग्रिड एंड इंडसइंड बैंक। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। लास्ट स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया का मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, और मुझे लगता है कि नहीं, इस स्टॉक पे हम लोग थोड़े टाइम के लिए अगर ज्यादा होल्ड करेंगे और बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ये स्टॉक अच्छे पैसे हमें दे सकता है। अगर हम चेक करेंगे तो इसने ना फॉल करा था ऑलमोस्ट 2015 अक्टूबर पे, ये एक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट कैंडल दी थी, आफ्टर दैट नीचे आया इस लेवल पे, इस ब्लैक कलर की लाइन पे फॉल करा, एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट करने के बाद नीचे, अगेन रीटेस्ट करने के बाद अगेन एक बड़ी फॉल आई है, एंड अगेन रीटेस्ट करने के बाद नीचे। बट यहाँ पर हमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, ये जो 1045 रुपीज का लेवल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और मुझे लगता है कि 2 दिन बचे हैं मार्केट को क्लोज होने में, और 3 दिन बचे हैं मार्केट को क्लोज होने में इस हफ्ते की क्लोजिंग के लिए, और इस 3 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर 3 दिन के अंदर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, जो कि सिर्फ 10-15 रुपये ऊपर है, तो हम एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम माय साइड मैं इस पर एक बेट लेना डेफिनेटली पसंद करूंगा। स्टॉक का नाम है क्यूमिंस इंडिया, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कल गिरावट आती है तो भी बाय कर लेना, छोटी छोटी क्वांटिटीज पर बाय करो जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो रहा, और नीचे आप लोग ऐड कर सकते हो। मेरा जो टारगेट होगा वो 190 से 1200 रुपीज का होगा, बट उसके बाद भी हायर लेवल्स ओपन हो सकते हैं, तो इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट डाटा की, एंड लास्ट में बात करेंगे परफॉर्मेंस की। तो गाइस, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। कल हमने जो डिस्कशन करा था वो ये था कि एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट आएगा हम अपना एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन हम लोग ने टॉप से बना रखी है, और ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था एक्जैक्टली इस लेवल से, जिस लेवल से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद एक बहुत अच्छी मूवमेंट दी है, ऑलमोस्ट हम मान के चले तो 150 रुपीज की मूवमेंट हमें देखने को मिली है ब्रेकआउट के बाद। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। अगर हम बात करें निफ्टी के परफॉर्मेंस की, जो हम लोगों ने कल आपको दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला है निफ्टी पे। अब एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है, हमारी बात होती है, हमारा ये टारगेट होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट कल के कल भी मीट कर सकता है, और शायद एक गैप अप के थ्रू भी मीट कर सकता है। तो हम लोगों ने एक ऑलरेडी कॉल ऑप्शन बाय करी हुई है, एंड एक अच्छा सेटअप हमारा बन सकता है। बट बाय चांस कल इसी लेवल पे ओपन होता है और एक कल एक डिप देने की कोशिश करता है, तो एक बढ़िया जो लेवल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 16,750-16,800 रुपीज का। इस रेंज के अंदर अगर हम लोग बाय करते हैं तो हमें एक और अच्छे प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं। मैं आपको एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा में भी वो चीज दिखा दूंगा। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी भी हमने ओपन कर लिया। बैंक निफ्टी में ना कल हम लोगों ने डिस्कशन यही करा था
कि इस ट्रेंड लाइन का तो ये ब्रेकआउट दे चुका है, बट अगर ये इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है, अगर कल गैप अप होना स्टार्ट होता है तो हम बाय कर सकते हैं, बट अगर ये गैप डाउन करता है या फिर इसी लेवल पे खुल के नीचे जाता है तो भी हम नीचे लेवल पे इस लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये खुला गैप अप ऊपर गया, अपना यही टारगेट था, ये वाला टारगेट इस टारगेट तक गया, इसी टारगेट तक मीट करा एंड दोबारा नीचे आ गया। तो फ्रॉम माई साइड आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी रैदर देन इन निफ्टी, में निफ्टी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बट बैंक निफ्टी में मैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, इन दोनों बैंक्स में मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो आई थिंक इन पे हम लोग वॉच लिस्ट पे रख के जरूर चल सकते हैं। एक बार ओपन इंटरेस्ट का आगे बात करते हैं और पूरा मैच करके देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस बन सकती है। ठीक है, चलते हैं। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डाटा पे आ चुके हैं और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो पुट और कॉल चेंज का डिफरेंस डबल का डिफरेंस हो चुका है। पुट राइटर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू कॉल राइटर्स। इसके अलावा पास्ट में देखें तो भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स सेम है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 16,900 पे, बिकॉज उसी लेवल पे रिजेक्शन लेकर आया था। ये कॉमन चीज है, इसको हम लोग इग्नोर कर भी दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल अगर गैप अप खुलता है तो ये लेवल कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज 16,800 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है, 16,700 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है एंड कंसेक्यूटिवली आप देख सकते हैं पुट राइटिंग एड हो ही जा रही है। इसके अलावा 16,900 पे भी रिसेंटली पुट राइटर्स एड हुए हैं। ठीक है, 1:3 का इस टू डिफरेंस बेटर है कॉल और पुट राइटर्स पे, बट आई पर्सनली थिंक अगर सस्टेन करेगा, इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कॉल राइटर्स और जल्दी निकल सकते हैं, बिकॉज बड़े बड़े ब्रेकआउट्स हम देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज, एक बार हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी में तो और भी बड़ा मेजर डिफरेंस हमें इसके थ्रू देखने को मिल रहा है, बट मेरे को चार्ट्स के थ्रू ट्रस्ट नहीं आ रहा, बट ओपन इंटरेस्ट के थ्रू अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। तो बैंक निफ्टी के चक्कर में ही हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है, इंडसइंड बैंक हमने ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। कॉल और पुट राइटिंग देखोगे 1:8 का डिफरेंस है, कॉल में 1 मिलियन ऐड है एंड पुट में 8.2 मिलियन है। कॉल राइटर्स 35,000 से एग्जिट कर गए हैं, 4,500 से एग्जिट कर चुके हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइड, अगर बैंक निफ्टी में भी शायद कल एक पोजिशन बन सकती है तो इंट्राडे में वील ट्राई टू टेक अ पोजिशन इन बैंक निफ्टी एज वेल। हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी 30, पुट राइटिंग भी 35,000 पे है और कॉल राइटर्स एग्जिट करे हैं, तो सबसे बड़ा जो बेस बना हुआ है वो 35,000 का बना हुआ है। सो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ऑन 35,000 और क्लोजर टू 35,100 इज द बेस्ट ट्रेड वी कैन टेक इन बैंक निफ्टी इफ वी वांट टू गो लॉन्ग। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक बार निफ्टी पे चलते हैं। ओपन स्ट्राइक प्राइस, मैं मल्टी स्ट्राइक प्राइस ओपन करना चाहूंगा, 2 मिनट लगेगा, बट एक अच्छी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने ग्रुप क्रिएट कर रखा है, इस ग्रुप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके अलावा सबको हटा देते हैं। सबसे पहले चीज हमें जानना है कि क्या बढ़िया स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन सकती है। निफ्टी क्लोज हुए 16,870 पे, इसके पास वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है 16,850 का, तो उसका कॉल और पुट दोनों लेते हैं। तो मैंने इसका पुट ले लिया और इसका मैंने कॉल ले लिया। ठीक है, ब्लू वाला कॉल है, सॉरी ब्लू वाला पुट है और रेड ऑरेंज वाला कॉल है। ठीक है, अब आप यहां पर अगर देखोगे तो आप देख सकते हो जो कॉल था, कॉल 16,850 के जो कॉल राइटर्स थे उसमें पोजीशन बनी हुई थी अराउंड 2:40 पे, पोजीशन थी एक्टिव ओपन इंटरेस्ट की 838,000, और वो तुरंत गिर के एक घंटे के अंदर भी नहीं, तुरंत गिर के आधी रह गई। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी पुट राइटर्स की, तो पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाई है बट वो सिमिलर रहे हैं। आप यहाँ पर डाइवर्जेंस भी आप देख सकते हो, एक छोटा सा डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम माय साइड यहां पर हमें पता चल रहा है कि 16,850 से भी कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, वहां पर भी वो लोग सस्टेन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार पुट राइटर्स को देखें, पुट 16,900 पे अभी हम लोग देख रहे हैं ना, सबसे हाईएस्ट पुट राइटर्स है, सॉरी कॉल राइटर्स है। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग चेक करें तो यस, मेजर डिफरेंस है। आप देख सकते हैं पुट राइटर्स, जो कॉल राइटर्स है वो स्टेबल हो गए हैं। कॉल राइटर्स पे 12:30 से 12:30 बजे जो कॉल राइटर्स में 16,900 के कॉल राइटर्स पे 3 मिलियन पोजीशन एक्टिव थी 12:30 बजे, जब से मार्केट ऊपर गई है वहां पर पोजीशंस मेंटेन्ड है। आप देख रहे हो रेंज बाउंड हो गया, किसी ने भी ऊपर हाईएस्ट पुट राइटिंग मतलब 12:30 बजे के बाद कोई भी नए पोजीशंस एक्टिव नहीं हुई है। बहुत लोग निकले हैं तो बहुत लोग ऐड करें, बट वो सिमिलर रेंज रही है। बट अगर आप 12:30 बजे से यहां पर देखोगे इस लेवल पे पुट राइटर्स को, तो पुट राइटर्स ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी पोजीशंस को डबल कर लिया।
12:30 बजे के बाद, यानी कि कन्विक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कल अगर एक गैप अप खुलने को मिलता है तो डेफिनेटली ये पूरी तरीके से फॉल करेगा और यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि नीचे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमें दिख रही है, अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बियर्स ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हम लोगों ने कर ली है, अब बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने स्टॉक्स लिए थे। सबसे पहले हम लोगों ने आपको रिकमेंड करा था लिंडा इंडस्ट्रीज। लिंडा इंडस्ट्रीज पे अगर आप चेक करोगे तो एक बहुत बड़ी अपमूव आई है, आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं 5% ऊपर गया है एंड आज की ट्रेडिंग सेशन में, विच इज अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा हम लोगों ने और कौन सा स्टॉक लिया था, आई मस्ट हैव फॉरगेट, ठीक है आप चेक कर सकते हैं, मतलब ये एक स्टॉक था yes. इसके अलावा शायद एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी था जो हम लोगों ने लिया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लेना। मैं आई थिंक भूल चुका हूँ कि मैं कौन से स्टॉक्स की बात कर रहा था, आई थिंक आरसीएफ हो सकता है, आरसीएफ होगा यस, नॉट आरसीएफ, एनएमडीसी, एनएमडीसी में हम लोगों ने बात करी थी कि 159.50 के ऊपर जाएगा तो हमारे लिए एक बाय सेटअप ओपन हो जाएगा। आज के ट्रेडिंग में इसने एग्जैक्टली 159.50 को टेस्ट करा, ये रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ करा था वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस मेंटेन करा और नीचे आ गया, तो मतलब हमारे लिए यहाँ पर कोई एंट्री सेटअप जनरेट ही नहीं हुआ, जहां जहां पर हुआ था हमें वहां पर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, जहां नहीं हुआ था वहां पर हमें नहीं हुआ। ठीक है, तो इस पर आप तब भी नजर रख सकते हो, जैसे ही 159.50 के ऊपर जाती है एक बड़ी अपमूव इसके अंदर भी आ सकती है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई है प्लीज डू लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे चाहिए, और अगर आपको इससे कुछ फायदा मिल रहा है तो प्लीज डू लेट अस नो एज वेल। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय।